हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप और अब हम लोग जा रहे हैं पल्टन बाजार। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया जो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं लेट हो गई रेडी होने में। अब हम लोग जल्दी से निकल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, अपने होटल से आधे घंटे की दूरी पर था ये पल्टन बाजार। हम आधे घंटे में यहाँ पहुँचे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहा था वो थे कपड़े। हर तरह का फैब्रिक था, स्ट्रिच भी था, अनस्टिच भी था। यहाँ सेल भी लगी हुई थी 150 की और बहुत सारी शॉल्स थी। यहाँ पे कुछ स्टिच सूट्स थे जो कि नम्रा को लगा कि शायद हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन जब हमने जाकर उन कपड़ों की क्वालिटी देखी, उसका फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये अराउंड 1000 के थे लेकिन हमने ये नहीं लिए। फिर हम बड़े आगे, यहाँ पर काफ़ी सारे सूट्स ही सूट्स नज़र आ रहे थे, साड़ियाँ नज़र आ रही थी, लहंगे थे, काफ़ी कुछ था। फिर आ जाती है सेल जो कि 250 की लगी थी इन सूट्स की। इन सूट्स की भी जो फैब्रिक क्वालिटी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो भी देहरादून में शायद शादियाँ होती होंगी तो उन वेडिंग फेस्टिविटीज़ के लिए ये वाली मार्केट काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है देखने को। फिर उसके बाद क्राउडेड इतना नहीं था। हाँ, ये बाज़ार आगे हमें नज़र आता है एक टेम्पल, ये चंद्र प्रभु दिगंबर जैन करके कोई टेम्पल था। यहाँ पे ये फ्लावर शॉप थी जहाँ से मेरा मन था एक बुके लेने का, बट नम्रा ने मना कर दिया। हम बड़े आगे, हमने आगे देखी थी बेडशीट्स, हमने सोचा हम बेडशीट्स परचेस करते हैं। दिखने में ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी लेकिन इनका फैब्रिक ऐसा था कि वो फिर स्लिप होता, यानी स्लिपरी फैब्रिक था। ये कुछ 1500 की थी। इसका प्रिंट मुझे इतना पसंद नहीं आया लेकिन ये अच्छी थी, इसका फैब्रिक अच्छा था, लेकिन हमने ये भी परचेज नहीं की क्योंकि इसका फैब्रिक अच्छा था तो इसका प्रिंट अच्छा नहीं था। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी गाइस। फिर हम बड़े आगे, कपड़े और एक पता नहीं क्यों ये ऑरेंज कलर था हर जगह। काफ़ी ज़्यादा साड़ीज़ भी अवेलेबल थी, मेंस वेयर भी था, पर्स भी थे, लेदर की चीज़ें भी थी, ज्वेलरी भी थी, लाइक पूरा फुल फ्लेज बाजार था, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई फ्रॉम पल्टन बाजार। बहुत ही ज़्यादा बेकार वर्स्ट डिसीजन था हमारे इस ट्रिप का, पल्टन बाज़ार जाने का। बिल्कुल अगर आप देहरादून आए तो टाइम वेस्ट करने बिल्कुल भी ना जाएं। हमने सहस्त्रधारा को छोड़कर पल्टन बाज़ार चूज़ करा, हमारा दिमाग ख़राब हो गया था। बस एक रीज़न ये था, सहस्त्रधारा में बहुत ठंडक होगी, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लेकिन हमें आराम करना चाहिए था, मतलब कुछ भी नहीं है उस पल्टन बाज़ार में, इतना गॉडी है सब कुछ। और मतलब एक होता है ना कि मार्केट भी ऐसा नहीं है, हमें परचेज ही करना है, बट स्टिल थोड़ी वाइब्रेंट होती है, थोड़ी अच्छी लगती है। बस ऑरेंज कलर की मार्केट और कुछ भी नहीं था, लाइक हम बस टाइम वेस्ट करके आ गए अपना और थक कर। सो गाइज, द लास्ट डे ऑफ आर ट्रिप। बहुत बहुत मिस करूँगी मैं इस ट्रिप को ऑब्वियसली। फ़िलहाल मैं अपनी जगह को, अपने लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। खैर बहरहाल सब कुछ बहुत अच्छा था अल्लाह के शुक्र से। वी गेट द बेस्ट होटल्स इन बोथ द प्लेसेस, मसूरी में भी और देहरादून में भी। हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा रहा। मैं इस व्यू को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, इस ट्रिप को मिस करने वाली हूँ, लेकिन इस टाइम मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने सोचा इसे ना एक्सटेंड करके वापस चल दिया जाए। मुझे पापा से बातें करना बहुत याद आ रहा है, उनकी प्लेट से खाना खाना याद आ रहा है, अम्मी की डांट याद आ रही है। तो अब हम बस वापस जा रहे हैं, चेकआउट करेंगे इन हाफ एन आवर। चाय मंगवाई है चाय पीकर, कुछ ले नहीं रहे क्योंकि हमारा ना हेवी हो रहा है थोड़ा, हम कुछ नहीं खाएंगे। ट्रेन में जाकर ही हम जाकर जो भी खाना है वहीं जाकर खाएंगे। बाकी याद है, ट्रिप इज़ रियली वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस लाइफ, फॉर द पेरेंट्स आई हैव, फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर एवरीथिंग। सो गाइज, वी आर हेयर इन शताब्दी। हमें वंदे भारत नहीं मिला, सो हम काफ़ी ज़्यादा, मतलब सेटल होना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट स्टिल हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने रिसेंट इसमें करा था ट्रैवल तो मेरे लिए इतना वो नहीं है। लेकिन हाँ, वंदे भारत है, एंड टू माय सरप्राइज वंदे भारत इज मच चीपर देन दिस। तो पता नहीं क्या क्राइटेरिया है चार्ज करने का, दैट आई डोंट नो, बट ठीक है चलो, खैर अल्लाह का शुक्र है ये मिल गया। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि एटलीस्ट हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब मुझे घर बहुत याद आ रहा है, एक्सट्रीम में याद आ रहा है।
अराउंड एक घंटे के बाद मिल जाता है हमें हमारा स्नैक, जिसमें उन्होंने दी थी बिकाजी की भेलपूरी, ये थी पथ चिक्के जिसे कहते हैं, ये था स्नैक जिसमें थी कचौरी, और ये था सैंडविच, और ये था ड्राई मिल्क मतलब मिल्क पाउडर चाय के लिए, एंड ये हमें स्नैक मिला था विद अ व्यू। और फिर आ जाती है चाय। इनकी चाय मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी एज़ कम्पेयर टू वंदे भारत, लेकिन फिर भी चाय विद अ व्यू इज़ लाइक। एंड गाइज उसके बाद चलते चलते ट्रेन कई बार बीच में रुकी, बस एक मिनट का हॉल्ट ले रही थी, और ये थी नम्रा, क्योंकि अब शाम हो रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी तो इसने शॉल पहन ली। अंदर भी यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। और फिर अराउंड दो घंटे के बाद आ जाता है डिनर। बहुत अर्ली डिनर था, और डिनर जैसा हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। या मुझे चार कुछ अलग अलग पैकेट्स नज़र आ रहे थे। जब मैंने ओपन करा तो इसमें थी ये दाल मखनी, ये पनीर की सब्ज़ी थी, ज़ीरा राइस था, चार पराँठे थे, दही थी, एंड ये आलू मटर की मिक्स सब्ज़ी थी विद अ माउथ फ्रेशनर। उसके खाने के बाद हमें मिलती है यहाँ से आइसक्रीम। उम्मीद मैंने चाय की थी, बट वी गॉट आइसक्रीम। एंड देन गाइज अराउंड 11 हमारी ट्रेन पहुंच जाती है दिल्ली। ये थी मेरी नैनीताल और देहरादून सीरीज़। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।